नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हेल्थ फॉर शो में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको आपकी बीमारी से जुड़ी हर समस्या से निजात दिलाने की, जो कि बनी हुई आपकी परेशानी का सबब। आज बात करेंगे अस्थमा की और कोशिश करेंगे बीमारी का इलाज जानने की आज हेल्थ फॉर शो में। दर्शकों, भारत में अस्थमा के रोगियों की संख्या लगभग 15 से 20 करोड़ है और लगभग 12% भारत में बच्चे अस्थमा से पीड़ित हैं। सुनकर ही पता चलता है कि आज भारत में कितना खतरनाक रूप ले लिया है अस्थमा ने। अस्थमा रोगी को सांस लेने में बहुत परेशानी होती है, तो क्या इस बीमारी को पूरी तरह से इलाज किया जाना संभव है और क्या सही उपचार इस बीमारी के रोगी को लेना चाहिए, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, जो कि अस्थमा रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो दोस्तों, अगर आपको भी अस्थमा से संबंधित कोई भी समस्या और उसका समाधान चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, आज हमारा जो शो है अस्थमा से रिलेटेड है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अस्थमा जो होता है ये होता क्या है? देखिए, अस्थमा एक बीमारी है जी, और इसमें जो श्वास नलियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं। श्वास नलियां सिकुड़ी नहीं जाती, बल्कि रोगी की श्वास नलियों में एक तरह की संवेदनशीलता आ जाती है। संवेदनशीलता हम कैसे पहचाने? जैसे पत्ती होती है, एक पत्ती को हम हाथ लगाते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन छुई मुई की पत्ती के हाथ लगाएं तो तुरंत सिकुड़ जाती है। ऐसी श्वास नलियां अस्थमा के रोगी की होती हैं, जो कि जब विपरीत कारण के संपर्क में वो आती हैं तो सिकुड़ जाती हैं और रोगी को तकलीफ होने लग जाती है। जी डॉक्टर साहब, से जानना चाहूंगा, अस्थमा होता है, एलर्जी होती है, तो इनमें कुछ समानता है और या फिर अलग अलग डिफरेंस कैसे किया जा सकता है फिर इनमें? शरीर के अंदर एलर्जी की प्रवृत्ति मौजूद और वो विभिन्न अंगों की जो एलर्जी है वो अलग अलग रूप में प्रकट होती है। जब हमें नाक का नजला होता है तो हम कहते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस हो गई। जब हमें अस्थमा होता है उसका मतलब कि श्वास नलियों के अंदर एलर्जी का रोग हो गया। जब चमड़ी के ऊपर होती है तो हम उसको दाफड़ या अर्टिकेरिया कहते हैं। तो बेसिकली ये कहें कि अस्थमा एक एलर्जिक बीमारी है जो कि लोगों के अंदर होती है। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया कि अस्थमा कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है एलर्जी से और दमा से, लेकिन डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा किन किन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम देखी जाती है या फिर हो सकती है, वो जानना चाहूँगा। देखिए, एक बात पहले मैं इस प्रश्न से पहले क्लियर कर दूँ जी, कि अक्सर जब अस्थमा का रोगी आता है जी, तो वो कई बार कहता है मुझे दमा हो गया, कई कहते हैं सांस हो गया, कई कहते हैं खांसी हो गई, लेकिन ये जो नामों का भ्रमजाल है जी, ये अपने आप में काफी कंफ्यूजिंग एंड इलाज के अंदर बाधक होता है। बिल्कुल डॉक्टर, तो इसलिए हमें एक कोशिश करनी चाहिए कि हम अस्थमा को इसके मेडिकल नाम से यानी अस्थमा से पुकारें, न कि खांसी दमा और श्वास कहें। इस अस्थमा दिवस जो आ रहा है, कम से कम एक प्रतिज्ञा हम ले लें तो कम से कम हमारा ये भ्रमजाल नहीं रहेगा। और इसका कारण भी सिंपल है, क्योंकि अक्सर जो भी रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं उन सभी डिजीजेज को 90% पेशेंट दमा, सांस और खांसी के नाम से आते हैं, तो वो ओवरलैप हो जाती है। और जब पर्चा नहीं है, जब डॉक्टर से फोन पे बात करनी है, जब आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो चिकित्सक का एक बहुमूल्य टाइम उसको डायग्नोसिस में लग जाता है। तो इसके लिए एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि हमें अस्थमा या ये जो बीमारी है इसके मेडिकल नाम से पुकारें। यदि नाक की नजला है तो उसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलें, यदि लंग्स की यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एलर्जी है तो हमें अस्थमा कहें। जैसे मान लिया मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, तो वो चाहे इंडिया में हो, वो चाहे जर्मनी में हो, वो चाहे अफ्रीका में हो, नाम हमेशा एक रहता है। इसी प्रकार अपनी बीमारी का नाम भी हर जगह एक ही रहता है, और यदि आपको याद रखना है कोई दूसरा नाम अपने नाम के अलावा, तो वो है आपकी बीमारी का मेडिकल नाम जी। और अब होता किसको है जी? देखिए, ये कुछ संवेदनशील लोग होते हैं जिनके अंदर अस्थमा की प्रवृत्ति होती है जी। अक्सर देखा ये गया है कि जेनेटिक है ये रोग,
जैसे कोई व्यक्ति लंबा हो तो हम कैसे कहते हैं अरे भाई इसकी लंबाई ज्यादा है क्योंकि इसके पिताजी लंबे हैं जी। किसी बच्चे को क्रोध ज्यादा आता है तो अरे आपने देखा नहीं इसकी माँ का स्वभाव भी बड़ा थोड़ा जी। कड़क है जी। तो ये एक पीढ़ी से गुण दूसरी पीढ़ी में जीन्स के माध्यम से जाते जी। हैं जी। और एस्थमा भी एक इसी प्रकार का जीन्स से गया हुआ अवगुण है जी। तो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है जी। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब कि बिना जेनेटिक ट्रांसफरेशन के ये नहीं हो सकता है? करीब 80-90% के अंदर जेनेटिक ट्रांसमिशन से ही एस्थमा होता है, लेकिन 15-20% ऐसे भी होते हैं जिनमें कि म्यूटेशन से ही हो जाता है। इसके अलावा कई बार जो पेरेंट्स में एस्थमा सुषुप्त अवस्था में होता है और बच्चे में वो प्रकट हो जाता है। अब मान लें मेरे में संवेदनशीलता है यानी टेंडेंसी है एस्थमा होने की, जब मैं विपरीत कारण के संपर्क में आऊंगा तो वो विपरीत कारण मेरे बीमारी को जो सोई हुई अवस्था से जगाकर एक बीमारी के रूप में आएंगी और सिम्टम्स होने लग जाएंगे जी। डॉक्टर साहब भी एक बार के लिए बीच में आपको रोकना चाहूंगा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नरेश जी हैं भरतपुर से। हाँ, नरेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नरेश जी अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार नरेश जी, बताइए। डॉक्टर साहब एक मेरे को कभी कभी बहुत छींकें आती हैं और नाक से पानी आता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए आपको छींकें आती उसके साथ में फेफड़ों के अंदर या सांस में वीजिंग भी होती है क्या? सू सू आवाज बांसुरी जैसी बिना रेडियो चलाए होती है? लगता है डॉक्टर साहब उनका संपर्क हमसे कट गया है। अच्छा जी, आप अगर डॉक्टर साहब उस समस्या से संबंधित कोई समाधान बताना चाहें नरेश जी को तो देखिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनको एलर्जिक राइनाइटिस है जी। तो पहली बात तो नरेश जी को हमेशा याद रखना चाहिए, एक बार कंफर्म करवा लें डॉक्टर साहब से कि उनकी बीमारी का नाम एलर्जिक राइनाइटिस है। फिर दूसरी बात जो महत्वपूर्ण यहाँ पर है उसमें हर व्यक्ति हर रोगी को पहचान करना चाहिए कि उसकी बीमारी के कारण कौन कौन से हैं। कारण दो प्रकार के हो सकते हैं, एलर्जिक कारण एंड नॉन एलर्जिक कारण। एलर्जिक कारण में धूल पराकण पैट्स पोलन्स इस तरह की चीजें होती हैं जिनके संपर्क में आने पर रोगी को बीमारी की तकलीफ प्रकट हो जाती है। नॉन एलर्जिक कारण वो हैं जिनके अंदर कि जैसे एक्सरसाइज करना, दौड़ लगाने से कई लोगों को खांसी आने लग जाती है, इसके अलावा धुएं में जाने से, ठंड में जाने से, हंसने से, चिल्लाने से, रोने से, इवन ये फिजिकल एक्टिविटी भी एस्थमा कारक बन जाती है। तो एक बार इनको हम पहचान लें तो फिर हम इनको डिफीट कर सकते हैं इनकी स्टाइल से जी। तो दर्शकों अगर आप भी अस्थमा से संबंधित किसी भी समस्या से पीड़ित हैं और आप उसका जवाब चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब अभी भी आपने बताया कि अगर हम पहचान लेंगे अस्थमा के जो लक्षण होंगे तो हम आसानी से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो डॉक्टर साहब कौन कौन से वो लक्षण हैं वो जानना चाहेंगे हम आपसे। देखिए अस्थमा के अंदर बेसिकली बार बार खांसी आना, विशेष तौर से रात्रि काल के अंदर जी, इसके अलावा सांस के अंदर सू सू की आवाज आना जी। डॉक्टर साहब एक बार के लिए आपको बीच में रोकना चाहूंगा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, रीता जी हैं हनुमानगढ़ से। रीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। रीता जी अपना सवाल पूछिए। हेलो जी। हेलो। हाँ रीता जी आप अपनी जिज्ञासा प्रकट कीजिए। क्या करें? आप बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से कि मेरे को आज से 25 साल पहले अस्थमा था, मैंने इन्हीं डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट लिया था। अच्छा, वीरेंद्र जी से। किन से लिया था? बीच में 25 साल में ठीक रही हूँ। हाँ हाँ जी डॉक्टर साहब आपके लिए आपका ही नाम ले रही है, आपसे ट्रीटमेंट लिया। अच्छा आपने इलाज लिया था, फिर 25 साल क्यों नहीं आया आप? ठीक हो गया था डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। रीता जी अपना सवाल पूछिए। लेकिन अब दोबारा हो गया है। अच्छा तो आपको मिलना चाहिए था ना हमसे, कम से कम होली दिवाली तो मिलते हैं। ठीक रही थी बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल ठीक रहे थे, तो अब दोबारा हुआ तो एक बार दोबारा आइए क्योंकि 25 साल का अंतराल काफी। हाँ जी मैं दोबारा आ जाऊंगी आपके पास, लेकिन हाँ। अभी मेरा सब कुछ ट्रीटमेंट मैंने हाँ ये बीच में आवाज में व्यवधान आ रहा है, प्लीज दोबारा पूछिए।
जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि दोबारा हो गया तो एक बार आपसे इलाज जानना चाह रही थी। हाँ देखिए, ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है, एस्थमा की प्रवृत्ति शरीर में मौजूद है, उसका प्रॉपर इलाज और प्रॉपर बचाव किया जाए तो ये बीमारी सो जाती है। अब जैसे रीता जी के केस में 25 साल सोई हुई, बिल्कुल डॉक्टर साहब। होता क्या है कि इस अंतराल में आने पर हम फिर थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, और लापरवाह होकर वो जो इनको प्रिकॉशन एंड सावधानियां बताई जाती हैं उनसे थोड़ा रिलैक्स कर जाते हैं, इससे वो बीमारी दोबारा से जग जाती है। जी डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे कि लक्षणों का कैसे पता लगाया जा सकता है। हाँ, ये देखिए, लक्षण तो बड़े सिंपल से हैं कि खांसी आना, चेस्ट में टाइटनेस होना, सांस के अंदर सूं सूं की आवाज आना और बलगम गुठली धागेदार आना। जी अब लेकिन इनके कारण कौन से हैं, उनकी पहचान महत्वपूर्ण है। क्या है कि एस्थमा एक विचित्र रोग है, इसमें एस्थमा के हिसाब से दिन में जो कुकर्म करते हैं उसका फल रात को मिलता है। जी आपने छोंक दिन में लगाया, तकलीफ रात को ही, गेहूं दिन में साफ किए, तकलीफ रात को ही, बाजार प्रदूषित वातावरण से दिन में गए, तकलीफ रात को ही। तो जिस रात को तकलीफ ज्यादा हो, सोचो कि दिन में क्या गड़बड़ किया था, उसको लिख लो, बिकॉज मेमोरी इज ऑलवेज डिसेप्टिव, याददाश्त अक्सर धोखा देती है। तो आप लिख लीजिए, तो एक तो अपने अनुभव के आधार पे आपने किया, दूसरा है एलर्जी टेस्ट के द्वारा। एलर्जी टेस्ट दो प्रकार से किए जा सकते हैं। एक है डॉक्टर साहब, एक बार बीच में आपको रोकना चाहूंगा, मैं एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, पटियाला पंजाब से है मोनिका। मोनिका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ नमस्कार मोनिका जी, प्रश्न पूछिए। क्वेश्चन सर, मुझे भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, मेरी 33 इयर्स एज है, तो बस एट प्रेजेंट मतलब मैंने बहुत ट्रीटमेंट करा, बहुत ज्यादा, बट मैं टीचिंग जॉब में हूँ, बट मुझे मतलब इतनी ज्यादा खांसी आती है, कुछ भी खाती हूँ, बोलती हूँ तो खांसी, कुछ खाती हूँ तो खांसी करते करते रेशा निकलता है, बिल्कुल छोटा सा बारीक सा एवरी टाइम। देखिए आप बच्चों को ज्यादा डांटते तो नहीं हो? हाँ जी, बच्चों को डांटते तो नहीं हो, वो आप टीचिंग करते हो ना? नहीं बिल्कुल भी सर, बिल्कुल नहीं डांटते। देखिए आपकी बीमारी से दो बात स्पष्ट लग रही हैं, एक तो आपको खांसी बहुत आती है, वो इंडिकेटर है कि आपका एस्थमा अनकंट्रोल्ड है। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी दवा का एडजस्टमेंट की आवश्यकता है चिकित्सक की मदद से। अब चिकित्सक कैसे करेंगे, आपका एक ब्रीदिंग टेस्ट जो स्पायरोमेट्री आपका पहले हुआ होगा उसमें करते हैं और देखते हैं कि आपकी लंग्स कैपेसिटी कितनी है, और उसी के ऊपर बेस होकर फिर आगे दवाइयां दी जाती हैं। और जो आपको बलगम निकल रहा है, कई बार जैसे इधर आपके पंजाब साइड में, गंगानगर साइड में, उसमें एस्थमा का एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको बोलते हैं ABPA, एस्परजिलस, तो ये इसको रूल आउट करवाना चिकित्सक को दिखाकर आवश्यक है। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, अलवर से शांति जी हैं। शांति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सर कि मेरा अस्थमा है, हाँ हाँ, पर मेरे को ना तो छींक आती है कभी, हाँ, और मतलब हल्का सा फीवर हमेशा बना रहता है, बुखार बना रहता है, हाँ, और खांसी आती है? बिल्कुल नहीं, तो खांसी आती ना छींक आती, मतलब अंदर से सांस बढ़ता है। रात को, रात को तकलीफ ज्यादा होती है दिन में? रात को, दिन में मतलब कभी भी हो जाता है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है आपके लक्षणों को सुनकर कि आपके कहीं एस्थमा के अलावा कोई और रोग तो नहीं है? नहीं, एस्थमा के अलावा और तो कुछ नहीं है। नहीं, इसके लिए ऐसा है, आपको एक बार विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि आपके टिपिकल लक्षण नहीं है। मैं नहीं कहता 100% होने चाहिए, कई बार बिना लक्षण के भी होता है, लेकिन वो जो ब्रीदिंग टेस्ट एंड FENO, ये जो टेस्ट है, इनसे ही पता लगता है फिर। चलिए दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं हेल्थ फर्स्ट में।